शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदी कला का टॉयलेट है। और इस टॉयलेट की स्थिति देखिए, आपको यह देखकर अंदाजा लग जाएगा कि यह कब से जर्जर हालत पड़ा है और इस पर शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। अंदर से दिखाना चाहेंगे कि खराब तो है और साथ ही साथ कितना बदबू आ रहा है, यह स्थिति बनी हुई है। सैकड़ों की संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं लेकिन प्रसाधन की उचित व्यवस्था नहीं है। और आपको हम छत दिखाना चाहेंगे, अब छत की स्थिति देखिए, बरसात का मौसम है और कहीं से भी पानी टपकने की आशंका बनी हुई है। लगातार शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदी कला का कवरेज दिखा रहे, ग्राउंड जीरो से आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे इस विद्यालय की स्थिति जर्जर बनी हुई। आप देख सकते हैं कि यह छात्रों को प्रसाधन का मार्ग है और इस मार्ग की स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे बदतर बना हुआ है। और इस मार्ग में कहीं ना कहीं सांप बिच्छू और जीव जंतुओं को निकलने का संभावना बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चों को यहाँ प्रसाधन के लिए जाना पड़ता है। और इस कक्ष की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस कक्ष की स्थिति क्या बनी हुई है। शासकीय उच्च माध्यमिक शाला अतिरिक्त कमरा हरदी कला लिखा हुआ है। और इस कक्ष की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप दरवाजा देखिए कि दरवाजा क्या स्थिति बना हुआ है। कैमरामैन से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जूम करके दिखाइए इस दरवाजे की क्या स्थिति बनी हुई है। आप बच्चों को कैसे गंदगी में तो प्रसाधन के लिए आना पड़ता है। और यहाँ हम आपको इस रूम की स्थिति दिखाएंगे, इस रूम की स्थिति आप देखिए। एक ग्राम पंचायत हरदी कला का शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का अतिरिक्त रूम है। इस पर शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए देख सकते हैं कि कैसे यह रूम अपने खंडहर की तरह दिखाई दे रहा है। ग्राउंड जीरो से, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप देख सकते हैं न्यूज 30 लाइव के माध्यम से। शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पूरा फुटेज आपको दिखा रहे हैं और इस अतिरिक्त रूम की आप स्थिति देखिए। इस विद्यालय में कहीं भी साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चे जो प्रसाधन के लिए आए हैं और ऐसी गंदगी में उन्हें प्रसाधन के लिए आना पड़ता है, हमारे देश के लिए बहुत ही विडंबना की बात है कि क्यों बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और इस देश के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इनके शिक्षा के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है।